So student, Vasudevan invested 60,000 at an interest of yeah, question number 5th, okay. Vasudevan invested rupees 16,000 at an interest rate of 12% per annum compounded half yearly. Compounded half yearly. ये फॉर्मूला मुझे मैंने आपको बता दिया था. व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 मंथ आफ्टर 1 ईयर. तो वसंत देवान क्या कर रहा है, वो इन्वेस्ट कर रहा है 60,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% पर 12% पर ईयर के मुताबिक, ठीक है. वो उसको कंपाउंडेड हाफ ईयर ले करना है, ठीक है. वन अमाउंट वुड ही गेट, अगर 6 महीने के बाद उसको पैसा कितना मिलेगा और 1 साल के बाद उसको पैसा कितना मिलेगा आपको निकालना है. देखो इसको करने के लिए बहुत आसान तरीका है, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली का कोई न्यूमेरिकल या क्वेश्चन होता है तो क्या करते हैं आप करते हैं रेट को हाफ और टाइम को डबल करते हैं. ये उसका फंडा है, फॉर्मूला है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. अगर आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तो आप क्या करेंगे, टाइम को हाफ करें, डबल करेंगे, रेट को हाफ करेंगे, ठीक है. देखो इसको कैसे करेंगे. पहले हम लिखेंगे प्रिंसिपल इक्वल टू रुपीज 60,000, ओके. और रेट कितना दिया है 12% कंपाउंडेड हाफ ईयरली. देखो यहां पर मैं लिखूंगा, हाँ पहले और दूसरा को छोड़ो, व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली जब आप हाफ ईयरली कंपाउंड करते हो तो आपका क्या बनता है बेटा, आपका रेट आपका आधा हो जाता है, हाफ, ओके. रेट गेट्स हाफ और टाइम, टाइम आपका क्या होता है बेटा, डबल होता है. तो स्टूडेंट्स मैं यहां से कर लेता हूं, टाइम आपका डबल होता है और रेट आपका हाफ होता है. मैं पहले देखूंगा, देखो पहला क्या है, पहले में टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम आपका 6 मंथ दिया हुआ है. 6 मंथ मीन्स 6 महीना मीन्स आधा साल, ओके. 6 महीना मीन्स आधा साल, 1 हाफ ईयर. लेकिन 1 कंपाउंडेड हाफ ईयरली देखो तो क्या रहेगा, 1 कंपाउंडेड हाफ ईयरली देखो टाइम क्या बनेगा, टाइम इक्वल टू 2 × 1 × 1 ईयर विच इज इक्वल टू 2 × 2 = 1 ईयर. और रेट का आपका क्या बनेगा, रेट के हाफ तो 12% है, 12% / 2 विच इज इक्वल टू 6%. अब आपको निकालना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, सॉरी प्लेन अमाउंट निकालना पड़ेगा. देयरफॉर पहले के लिए भी निकाल रहा हूं, ओके. 6 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए भी बाद में निकालूंगा. देयरफॉर अमाउंट इक्वल टू, यानी इसको हम ए लिखते हो, P × 1 + R / T रेस्ट पावर n, ठीक है, विच इज इक्वल टू पी आपका कितना है 60,000, 1 + रेट कितना बना था 6/100, टाइम आपका 1 साल बना था, तो ऊपर 1 लिखेंगे, यहां पर 1 लिखेंगे, ठीक है. तो इसके बाद क्या आएगा, 60,100 + 6/100, ओके. रेस्ट पर 1 लिखो या मत लिखो एक ही बात है. अच्छा देखो यहां से मैं ऊपर लिखूंगा, ठीक है, यहां लिखूंगा, सारा आपने नोट किया है, ठीक है. देखो यहां से मैं यहां स्टार्ट करूंगा, ओके, यहां स्टार्ट कर रहा हूं, ओके. तो क्या आ जाएगा, 60,000 × 106/100. देखो यहां पर इक्वल टू लिखना था, तो विच इज इक्वल टू यहां से लिखेंगे, ये हमारा ए अमाउंट जो है ना, देखो 250 × 100, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, तो 53 आता है. तो क्या आएंगे, 6000/53/50, ये जीरो इसके साथ कट गए, और 5 × 5 = 5, इसके बाद 1 रहता है, 10 हो गए, 5 × 2 = 10,
जीरो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1200 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 53 से, वो आपको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 6360 आ जाएगा, 6360 इतना आपको आ जाएगा। तो ये आपका पहले का आंसर आ गया, पहले का आंसर ए कितना आ गया, अमाउंट फर्स्ट में आ गया 63,600। ओके, ये पहले के केस के लिए थे। अब मुझे सेकंड केस चाहिए, सेकंड केस में कितना था, 1 साल के लिए थे। ठीक है, देखो यहां तक लिखा, पॉज करके लिख लो। अब सेकंड केस में देखेंगे, देखो सेकंड केस में टाइम कितना, पहले प्रिंसिपल में फिर लिखूंगा, प्रिंसिपल आपका 60,000 है और रेट आपको कितना दिया हुआ है, 12%, और रेट क्या होता है, हाफ हो जाएंगे तो 6% आएगा, और टाइम आपको कितना दिया है, 1 ईयर, 1 साल, तो टाइम आपका डबल हो जाता है, तो क्या आएगा, 2 ईयर। ओके, देयर फोर अमाउंट इज इक्वल टू पी इन टू 1 + R/100 रेस्ट पावर एन, विच इज इक्वल टू, पी आपका कितना है, 60,000, 1 + R/100 रेस्ट पावर 2। इसको यहां लिखेंगे के बाद यहां से लिखेंगे, देयरफॉर ए इक्वल टू 60,000, 100 + 6 = 100 अपॉन फोर स्क्वायर 60,000, 106/100 का स्क्वायर। ये सेम चीज करेंगे, 5, 250 = 100, 25 = 10, ठीक है, क्या लिखूंगा, 250 = 100, 25 = 10, 23 = 6 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 60,000 स्क्वायर कर लो, 50 upon 53 upon 50, 53 upon 50, ये जीरो इसके साथ कट गए और ये जीरो इसके साथ कट गए। अब क्या करेंगे, 5 1 5 5 1 5, 1 रहेगा 10 हो गया, 5 2 10, 5 0 0, इसके बाद ये 5 से करेंगे, 5 1 5, 5 2 10, 2 रह गए, 5 4 20, आप 24 को 53 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आता है उसको फिर से 53 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको इतना आ जाएगा। आपको ये यहां पर आ जाएगा, अमाउंट आप पर निकलेंगे 67,416, इतना रुपीस दूसरे क्वेश्चन में, यानी कि सॉरी सेकंड केस में, कि अगर टाइम 1 साल होगा और टाइम अगर 6 महीना होगा तो 63,600 आता है, अगर टाइम 1 साल के बाद इतना मिलता है उसको अमाउंट 67,460। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 5, बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, तब तक खुदा हाफिज़।